ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। अब्दुल बारी, क्या नवेद तुम्हारे घर आया था? नहीं, क्यों, क्या बात है, आज वो खेलने नहीं आया? मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आया वो। अपने घर के किसी काम में रह गया होगा। नहीं, उसने कहा था कि वो वक्त पर आ जाएगा और हम साथ खेलेंगे। शायद अम्मी ने रोक दिए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आज वो अपना नया गैजेट बताने वाला था। नया गैजेट? हाँ, और उसने कहा था कि वो हमें मिलकर ही बताएगा। आखिर क्या गैजेट मिला है उसे? तो जाकर घर में ही देख लो। मुझे अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं, मुझे इजाज़त नहीं कि मैं बिना अम्मी और अब्बू से पूछे किसी के घर में दाखिल होऊं। तुम जाओ, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैंने सिर्फ खेलने की इजाज़त ली है अम्मी से। ठीक है, हम खेलने जाते हैं, और अगर वो अपने घर के बाहर दिख गया तो अच्छा होगा। ठीक है, चलो, लेकिन याद रखो मैं वहाँ से अपना खेलने चले जाऊँगा, तुम मिल लेना नवेद से। Yes, this is Abdul Bari. He's quite a good boy. अरे नवेद, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। हाँ, वो ये तो बहुत गलत बात है नवेद, कि तुम किसी को कहो और वक्त पे ना पहुँचो और ना ही कोई इख्तला करो। बेचारा सरफराज कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे वाह नवेद, तो तुम्हें ये नया गैजेट मिल ही गया। हाँ सरफराज, डैडी ने मुझे ये टैब लेकर दिए हैं। तुम्हें वो भी टैब? वो दरअसल घर के लिए है, ताकि मैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट भी आसानी से देख सकूं। ठीक है, हमें तो अब्बू कहते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है इस उम्र में, और हम स्कूल प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पर ही कर लेते हैं, वो भी अम्मी और अब्बू के साथ। जब हम 10-11 साल के हो जाएंगे तब अब्बू हमें टैब लेकर देंगे। वाह नवेद, तुम क्या देख रहे हो, मुझे भी देखना और सुनना है। हाँ हाँ, चलो हम दोनों यही देखकर मजे करते हैं। तुम दोनों खेलो, मैं तो चला। वैसे भी हमारे लिए इस वर्चुअल से ज्यादा जरूरी है फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है अब्दुल बारी, तुम जाओ, हम तो यही मजे करेंगे, लेकिन एक बार तुम भी देखो, ये तो बहुत ही मजेदार है। क्या है, देखूं जरा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अरे क्या हुआ अब्दुल बारी, ये कैसे बुरी चीजें देखते हो और सुनते हो तुम? ऐसी चीजों से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसमें क्या बात है अब्दुल बारी, ये तो एक नया गाना है, आओ हम दूसरे फनी फनी चीजें देखते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये सब लघुवियात है। ये लघुवियात भला क्या है? लघुवियात के मतलब है हर वो काम, हर वो बात या हरकत जो अल्लाह को नापसंद हो। अच्छा हुआ आपा आप आ गए, देखो तो ये मेरे दोस्त क्या क्या देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आपा अल्लाह को नापसंद? हाँ नवेद, हमें हर उस काम से रुक जाना चाहिए जो हमारा वक्त ऐसे ही बेकार में जाया करता हो, जिनसे ना तो हमें और ना ही दूसरों को फायदा पहुंचता हो, बल्कि हम बुराई की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, अब जाने भी दो, आप लोग जाकर खेलो, हम यही खेल लेंगे। आपा इन्हें वो बताओ जो हमने कल कुरान में पढ़े थे, वो नेमतों के ताल्लुक से। लो अब तो गए काम से। नवेद, कल ही हमने पढ़े कुरान के सूरह तकासुर में कि उस दिन मतलब आखिरत के दिन अल्लाह हमसे सारी नेमतों का हिसाब लेंगे। नेमतों का हिसाब? नेमतों से क्या मतलब है आपा? मैं बताऊँ ना आपा? हाँ हाँ जरूर अब्दुल बारी। देखो, दरअसल अल्लाह हमसे हर उन चीजों का हिसाब लेंगे जो अल्लाह ने हमें अता किए हैं, पानी, खाना, पैसे, अनाज और हर चीजों का। इसी तरह ये टैब भी तो अल्लाह की तरफ से नेमत ही है ना, और इसका भी हिसाब लिया जाएगा। ठीक है, इसका हिसाब तो साफ है, अब्बा के पास तो इसका बिल भी है। अरे नवीद, ऐसा नहीं है, हिसाब से मुराद ये है कि हमें जो नेमत अल्लाह ने दिए है उसका हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए। अच्छा? हाँ, और साथ ही ये जो बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने हमें अता किए हैं, जो बहुत से लोगों को नहीं मिला, इनका भी हिसाब लेंगे अल्लाह ताला। बड़ी बड़ी नेमत? हाँ नवेद, देखो अल्लाह सुभानहु व तआला ने हमें दुनिया में कितने ही नेमत दिए हैं,
और उनको देखने और उनसे फायदे उठाने के लिए हमारे जिस्म में हाथ पैर, ये आंखें, जबान और सुनने की काबिलियत, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमत है। पापा, लेकिन इन सब बातों का हमारे टैब में इन चीजों को देखने से क्या? अरे सरफराज, तुम इतना भी नहीं समझते, हमें अल्लाह को हिसाब देना होगा इन नेमतों का कि हमने अपनी आँखों का क्या इस्तेमाल किए, अच्छी चीज देखने में, अच्छी बातों को पढ़ने और सीखने में, या फिर इनसे हमने बुरी चीजें देखी। अपने कान से हमने अच्छी बातें सुनी और इनसे अच्छी तालीम सीखे, या फिर बुराइयां, फहाशियत वगैरह देखे और सुने। मैंने सही कहा ना आपा? बिल्कुल सही अब्दुल बारी, हमें अल्लाह के दिए हुए हर नेमत का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम जवाब दे पाए जब हश्र के मैदान में इन नेमतों की पूछताछ होगी हमसे। हाँ, और आपा ये भी कि अगर हमने जवाब नहीं दिए तो हमारी आंखें, हमारे कान और हाथ पैर सभी बोल उठेंगे कि हमने इनका गलत इस्तेमाल किए। क्या सच में? हाँ सच में, ये तो अल्लाह ने कुरान में बोले हैं। अब हम क्या करें आपा? इन नए नए टेक्नोलॉजीज का सही इस्तेमाल करें, इनके जरिए अपने अंदर और लोगों में बेहतरी का काम करें, तो ये सारे जदीद जमाने की चीजें फायदेमंद होंगे और बिला जरूरत इन टीवी, मोबाइल, टैब्स, कंप्यूटर में ना रहे, इससे हमारे सेहत पर भी बुरा असर होता है। हाँ नवीद, मैं भी अब्दुल बारी के साथ खेलने जा रहा हूँ। टीचर ने भी बोले थे कि दिन में हमें कम से कम एक घंटा फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहिए। ये हुई ना बात, चलो हम खेलने चले, फिर मगरिब का वक्त भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं भी टैब रख कर आ रहा हूँ। नवीद जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, देखा हमने किस तरह अब्दुल बारी अंशरा जो है बुरी चीज़ों को देखने सुनने से गुरेज करते हैं, उन चीज़ों से दूर रहते हैं। इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी में जब कभी हमारे सामने कोई बुरी बातें सुनने में आए, देखने में आए, हम उन चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लें, चाहे ये हमारी जरूरत क्यों ना हो। डेस्कटॉप है, इंटरनेट है, और जो है टैब्स है, और जो सेलफोन है, लेकिन जब भी हमें ऐसी कोई इम्कान लगे बुरी चीज़ों से, हम ऐसी चीज़ों से दूर हो जाए, अपने आप को बिल्कुल इन चीज़ों से दूर कर लें, और जो है अपनी जो है नेमतों का जो है अल्लाह को हिसाब देने की तैयारी करें कि हमने आँखों का, कान का, और जो है हाथ पैर, पूरे बदन के हर एक आज़ा जो अल्लाह ने हमें दिए, इन चीज़ों का क्या इस्तेमाल किया, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सभी लोग जो इन बातों पर खड़े उतरेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है लाइक करें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। फिर कहता हूँ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।